मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की महत्वपूर्ण योजना आपकी सरकार आपके द्वार ग्रामीणों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए चलाई जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर एसपी सहित पूरा अमला गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होते हैं और उनकी परेशानियों को तत्काल निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है ताकि ग्रामीणों की समस्याओं को हल आसानी से हो सके। जी हां, आपको बता दें कि आपकी सरकार आपके द्वार शिविर के तहत आज धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, जिला पंचायत सीईओ संतोष कुमार अपने पूरे अमले के साथ बस द्वारा अचानक ग्राम पंचायत दतिगारा पहुंचे तथा पूरे गांव का भ्रमण करते हुए सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। साथ ही स्कूल परिसर में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने बीपीएल कूपन, आवास, जल भराव जैसे तमाम समस्याओं कलेक्टर के सामने रखे, जिसको लेकर कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने तत्काल निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। जब हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट से सवाल किया कि आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या सामने आई, तो उन्होंने बताया कि आज ग्राम पंचायत दतिगारा के सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी बेहद दुख हुआ कि सातवीं कक्षा के छात्रों को हिंदी पढ़ना नहीं आ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा ताकि बच्चों के भविष्य खराब ना हो। साथ ही जिला पंचायत सीईओ संतोष वर्मा ने भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर कड़ा तेवर दिखाते हुए स्कूल शिक्षकों को वहीं फटकार भी लगाई और कहा कि जल्द से जल्द बच्चों में सुधार होना चाहिए। धार कलेक्टर ने चर्चा में और क्या कहा, कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार में आज क्या क्या समस्या सामने आई है? आज आपके सरकार आपके द्वार में आज हम लोग बदनावर ब्लॉक में आए हैं। नागदा में शिविर है, उसके पहले औचक निरीक्षण होता है गांव में, जो आज दत्तिगारा में हम लोग आए हैं। दत्तिगारा में हम लोगों ने सभी गांव में सभी ग्रामीणों से चर्चा की और गांव के जो दो तीन मुख्य समस्याएं थी, एक पीएमजी से जो रोड जा रहा है उसके दोनों तरफ नालियाँ नहीं बने हैं, लोगों ने अतिक्रमण किया है, तो उसको नाली बनाने का एक सबसे बड़ा समस्या आई। यहाँ पे सारे शासकीय भवन है, यहाँ पे बारिश के समय पूरा भर जाता है एक पुलिया के कारण, तो उसको तत्काल हम लोग कैसे उस पुलिया को डाइवर्ट करके सुधार सकते हैं, उसको आरईएस उसका एस्टिमेट अभी आज बना देंगे, तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पे आई। स्कूल में विद्यार्थियों की बच्चे संख्या भी कम रही और यूनिफॉर्म भी विदाउट यूनिफॉर्म में भी कुछ बच्चे देखे गए, उस पर लेके क्या? नहीं, डेफिनेटली आज हम लोगों ने स्कूल में विजिट किया है, उसमें विलम्ब डेफिनेटली हुआ है, जिसके लिए हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। जिनके स्तर से विलम्ब हुआ है मैंने बीआरसी को नोट कराया है, तो उसमें अभी इन लोगों ने डिसाइड किया है उनके यूनिफॉर्म के साथ साथ जूते और बाकी सब भी मिलकर दो दिन में ये व्यवस्था करेंगे, तो ये व्यवस्था। सर, बच्चे देश का भविष्य होता है, उनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रही, सेवन क्लास के बच्चे को डेफिनेटली हम लोगों ने ये महसूस किया है कि हालांकि इसमें अलग अलग समूह बनाते हैं, जो बच्चे के स्तर के हिसाब से ए बी सी ऐसे, और सबसे जो कमज़ोर जो समूह था उसके बच्चों को डेफिनेटली ये सातवीं में अगर हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत ही, लेकिन ये बता रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है इस बार और मैं समझता हूँ कि आगे जाके उनकी स्तर में सुधार होगी। लर्निंग आउटकम्स पर हम लोग डेफिनेटली ध्यान देंगे और पूरे ज़िले में इस बार हम लोग ने शुरू किया है कि बच्चों को लर्निंग आउटकम्स कैसे सुधारा जा सके। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।